अगर आलू मेथी होगा तो बाई चांस 23 की मार्केट में घूम रहे कोई जान पहचान वाला मिलेगा, ओ आलू मेथी। अपने किचन में और आज क्या खाने में बन रहा है वो दिखाती हूँ। कई लोग जानते होंगे, कई लोगों के लिए बहुत नया और बहुत ही अजीब होगा। एक्चुअली क्या है ना, मुझे खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पर आप सबने सुना होगा कढ़ी, ऑब्वियसली जो पकोड़े वाली कढ़ी होती है, बट एक नई कढ़ी है जो स्पेशली हमारे यूपी में खाई जाती है और भी जगह खाई जाती होगी पता नहीं, वो है आलू वाली कढ़ी। तो मैं आपको आलू वाली कढ़ी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ पर्सनली। बहुत लोग होंगे जो बहुत अच्छे से बनाते होंगे, जो बहुत अच्छे से बनाते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी रेसिपी शेयर करें। और जो मैं बनाती हूँ वो मैं ये है, मैंने उसको निला के पहले उसको ब्रेकफास्ट कराया, जो अभी वो सो रही है, उठेगी तो डेफिनेटली हमको खाता हुआ देखेगी तो वो भी मांगेगी, और स्पाइसी थोड़ा डॉक्टर ने मना ही किया उसको भी देने के लिए क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है। तो मैंने सोचा मैं अपना खाना बना रही हूँ साइड बाय साइड, मैं उसका भी कुछ रेडी कर देती हूँ। तो मतलब मैं उसको सेम नहीं खिलाना चाहती क्योंकि सेम तो हम लोग खा के अक जाते हैं, तो वो तो बच्चा है तो ऑब्वियसली ये दलिया, सूजी का पोहा और सूजी का उपमा और गाजर शकरकंदी ये खा के वो भी रोज़ रोज़ हो जाती है। तो मैं उसको ना जो भी 3 या 4 बार मील्स देती हूँ ना, मैं सारी अलग अलग उसको करके देती हूँ। ऐसे नहीं करती कि सुबह बना दिया तो वो थोड़ा सा खिला के दोपहर में भी वो ही दिया। हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, बट जैसे कि मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है तो मेरे को दिन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ऊपर से मम्मी भी हेल्पिंग होती हैं तो मैं कर देती हूँ। तो अभी मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सीरत का मैंने रेडी कर दिया है, ठीक है, ये पोहा है। जब वो खाएगी तो मुझे नीड होगी तो मैं थोड़ा सा बॉइल्ड वाटर ऐड कर दूँगी, अदरवाइज वी आर गुड टू गो, ठीक है। उसके बाद मेरी फैमिली के हिसाब से, मतलब मेरी फैमिली इन द सेंस मेरी और मम्मी के हिसाब से मैंने इतना सा दही दिया है, आपकी जैसी फैमिली हो आप वैसा ही यूज़ करो। मैंने जो ये वाले स्पूंस होते हैं मैंने ये वाले 4 स्पून्स लिए हैं, पूरे पूरे नहीं मतलब ठीक ठीक से नॉर्मल, ठीक है, 4 स्पून्स मैंने ये लिए हैं। तो मैं इसमें ऐसे है ना इतने हीप बना के 1 2 ठीक है, मेरे हिसाब से इतना बहुत बेसन बहुत है मेरे लिए। तो अब मैंने आपको दिखाया था कि 4 स्कूप मैंने 4 स्पून्स मैंने इसमें बेसन डाला है, अपने और मम्मी के हिसाब से, आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। उसके बाद मैंने ये दो से थोड़े से कम मैंने बेसन के स्कूप डाले हैं, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी वाटर, पानी आप अपने हिसाब से कर लेना यार जिसकी जैसी फैमिली, ठीक है। इतना पानी फ़िलहाल के लिए मुझे बहुत लग रहा है, बाद की बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये है आलूओं की शक्ल फ़िलहाल, ठीक है। और इसमें मैं ऐड करती हूँ 1 कप पानी, और फिर गैस को बिल्कुल सबसे सिम जो भी होती है आपकी गैस आप उस पर रख के कवर कर दो लिड, और उसके बाद उसको बॉयल होने दो, मतलब पकने दो थोड़ी देर, एटलीस्ट 5 to 7 minutes। तो ये आलू मोस्टली हो गए हैं, आप देखो थोड़ी सी कसर रह जाए ना, मतलब 80% भी अगर पक जाता है, वैसे तो मेरा प्रॉपर पक गया है, बट अगर 80% भी रह जाता है तो भी फाइन है, आप यू आर रेडी टू गो, ठीक है। अब इसमें हमने जो ये बनाया है दही बेसन और थोड़ा सा पानी, अब मैं आपको ना 2 मिनट बाद दिखाती हूँ क्योंकि मुझे ये डालना है और फिर कॉन्टीन्यूसली स्टिर करना है, मतलब हिलाना है ताकि फटे ना दही। तो मैं 2 मिनट में आपको करती हूँ। तो हमारी कढ़ी में उबाला आना शुरू हो गया है और इसका फाइनल जो लास्ट तड़का होता है वो मैं तैयार कर लेती हूँ। इतने से ऑयल में ही बनाऊँगी मैं क्योंकि फिर है ना फिर ज़्यादा हो जाएगा। तो इतने से ऑयल में मैं तड़का तैयार करती हूँ, आप चाहो तो आप देसी घी का या किसी भी चीज़ का तड़का लगा सकते हो, ऑलिव ऑयल का है जिसका आपकी मर्ज़ी, मैंने नॉर्मल सा रिफाइंड लिया है, थोड़ा सा सरसों के तेल का बहुत अच्छा आएगा अगर आप लगाएंगे तो, ठीक है। इतने से तेल में मैं तड़का बना लेती हूँ फटाफट। तो ये कढ़ी है, ये राइस है, सैलेड है, अचार है, ये अब खाएंगे अपना खाना जो कि बड़े टाइम से भूखे बैठे हैं बेचारे, मेरी वैसे इनको खाना नहीं मिल रहा था लेकिन अब मिल गया तो अब ये खुश है क्योंकि ये रेडी। और अब हमारा जाने का कहीं प्लान है, प्रिया की जॉब है कितने बजे से? 6:30 से। तो हमें 6:30 बजे तक किसी भी हालत में घर वापस आना है, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं अभी बताएंगे कि हम कहाँ जाएंगे। और गाड़ी में देख लो कौन कौन बैठ चुका है, और एक स्पेशल सीट हमने एक बना दी है बुगू के लिए। बुगू हेलो कर दो सबको, हेलो। तो बुगू ने भी हेलो कर दिए, तो हैशटैग
टेक जीजा जी के घर, तो यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है कि चैनल का नाम क्या रखा जाए। मैं चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, तो एडवाइस दे रहे हैं लोग क्या क्या, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, सुनवा देता हूँ। हाँ बोलो हमें क्या नाम रखना चाहिए। लंगड़ा मामू भाई, लंगड़ा पूरी जिंदगी थोड़ी ना रहना। आलू मेथी, बुआ जी कह रहे हैं अगर आलू मेथी होगा तो बाई चांस 23 की मार्केट में घूम रहे कोई जान पहचान वाला मिलेगा। ओ आलू मेथी एक ने लिखा था लंगड़े मामू, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, लंगड़े मामू कैसे हो, मैंने कहा बढ़िया भांजे आप सुनाओ। तो भाई अब आप लोग भी थोड़ा एडवाइस कर देना यार कि क्या नाम रखा जाए। तो वैसे मैंने नाम चेंज करके अपना AS सेठी ब्लॉग्स कर दिया है, फिर भी आप लोगों को अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता तो कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि क्या रखना चाहिए नाम। हो सकता है आपका नाम बता दे और मैं वो रख लूं। क्या एक्सपीरियंस है आपको? वापस आ गया। बदल क्यों गए? बदल क्यों गए? सच्चा आदमी हो। बच्चा भी घूम रहा है। झूठ? बच्चा से कैसे घूम रहा है? तो देख ले पापड़ को, इसने एक पापड़ लिया था प्रिया ने कि बच्चे को खिलाऊंगी, बच्चा देखकर अगर पूरा पापड़ अपने आप खा गया। बच्चे खाया, मैंने भी खाया। तो घूम रहा है बच्चा अभी ना, है ना सीधा, हमने नहीं खाया। बच्चा पता बोल तो सकता नहीं है, पापड़ जो मर्जी खा जाए। तू छुट्टी कर ले यार। चल भाई ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, अगर आओगे तो कॉल कर देना। चलो ओके, बाय 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 बाय। हम लोग निकल चुके हैं # जीजा जी के घर से, कीरत के घर से, और ये साथ जा रहा है। और कौन है भाई साथ? कोई भी नहीं, ये पीछे बैठी है। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अब दोनों अपने लैपटॉप में लगे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, बेले बंदे वैसे दोनों। और ये पॉपकॉर्न पार्टी हो रही है। ओए होए 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 होए, पॉपकॉर्न गर्मा गर्म, अगर पॉपकॉर्न मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। हाँ हाँ के साथ हंसा रहे सीरत को, कैसे हंसाया था दोबारा सही है, एक बार हंसा, पहले हंसा ना। और इस टॉय के साथ हंसाते हंसाते इस टॉय का हाल देखो क्या कर दिया। ये रही इसकी मुंडी, ये रहा इसका धड़, अब ये जुड़ना है नहीं। बच्चा एंजॉय कर रहा है, उसका टॉय तोड़ दिया उसको थाने के चक्कर में। घर से निकल गए हैं और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम लेने। कहाँ जा रहे हैं? आइसक्रीम लेने। भाई साहब बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा, इसको हमने आइसक्रीम नहीं दिलानी, अब ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा मिल गई भैया, ये वाली दे दो। ये नहीं हो, कच्चा आम ऑरेंज। अच्छा ये नहीं है, इन दोनों में से बता। कच्चा आम भी बहुत टेस्टी होता है। अंकल ने पूरा शोर शोर में लगा था भैया, ये कच्चा। अबे दिखा तो दे, कच्चा ये कच्चा आम खा रहे है। तू क्या खा रही है भाई? चोको ब्राउनी। और ये हमारी ब्रेक का, ये कोई नई ब्रेक है, पता नहीं कौन सी है। तो हम आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। क्या करें? फिर ढक्कन पे पहुंच गया, रुक जा। देखो इसने तो ढक्कन बंद कर दिया था, हमने इसको पीछे खींच के दोबारा ढक्कन खोला है। तो आगे मिलते हैं किसी ऐसे ऐसे वाले ब्लॉग के साथ। टिल देन Do like, share, subscribe and comment to our YouTube channel which is AS. और हाँ sorry, हमने अपने channel का नाम भी change किया है, हमने प्रियांकित की जगह AS सेठी vlogs कर दिया है, क्योंकि प्रियांकित कई लोगों को ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो आप लोग please इसे भी like, subscribe और share कीजिएगा, AS सेठी vlogs। और आप लोगों का बहुत 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 सारा थैंक यू, आप लोगों ने हमारे 1K कम्प्लीट करा है, थैंक यू। तो बाकी जो लोग देख रहे हैं यार, प्लीज लाइक करने के साथ साथ ना सब्सक्राइब का बटन और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिया करना। बेल आइकन नहीं बोलते तो। मिलते हैं फिर एक अच्छे से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ढक्कन।